एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे अपने ही मुझे बहुत ज़्यादा ताना देते हैं। देखो मेरे भाई, एक हमेशा इस छोटी सी बात को ध्यान रखना, अगर तुम्हें पता हो तो यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ अपने नहीं, मतलब आपने देखा है एक लकड़े को पेड़ काटते हुए, जिस टांगी से, जिस कुल्हाड़ी से वो पेड़ काटता है ना, उस टांगी या उस कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी होती है, जो डंडा लगा होता है जिसको पकड़ के काटता है, वो भी मेरे भाई लकड़ी का ही होता है। और जिस चीज़ को वो काट रहा है ना, वो भी लकड़ी है। यानी लकड़ी को भी काटने के लिए लकड़ी की ही आवश्यकता पड़ती है। तो हमेशा अपनों को गिराने के लिए अपने ही गिराते हैं। अगर आपको तोड़ना है ना, तो बाहर का व्यक्ति आपको अंदर से नहीं झकझोर सकता। आपके अंदर का व्यक्ति ही, मतलब आपके आसपास के लोग ही, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा स्नेह होगा या एक तरीके से लगा होगा, वही मेरे भाई आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में आपको क्या करना है, एकदम बर्गर की तरह एकदम डटे रहना है, खड़े रहना है। ठीक है, तुम तोड़ लो, हमारे मन में घुस जाओ। कभी कोई व्यक्ति आपको बोल देता है कि हाँ भाई आज से तुमसे बात नहीं करेंगे, दुख होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफलाइन अगर तुम्हें बोल दे कि कल से हम बात नहीं करेंगे, ब्रेकअप, तब मेरे भाई तुम्हें ज़्यादा दुख होगा। क्यों पता है? तुमने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने अटैचमेंट उसके साथ जोड़ रखे हैं। तो कोई भी चीज़ हमारे पास होती है ना, अचानक से हमसे दूर हो जाती है, उस केस में हमसे जो है ज़्यादा दुख होना शुरू हो जाता है। तो पहली बात तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई कि लाइफ में तो अटैचमेंट रखो मत, इतने ज़्यादा तो मत रखो जब तुम स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, जब एक तरीके से तुम मेहनत कर रहे हो, जहाँ पर तुम्हें पता है कि यहाँ पर कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, और आज रात को तुम्हारे साथ कोई ऐसी जो है कोई बोल दे ब्रेकअप हो गया, तो तुम रोते धोते बैठे हुए और यहाँ पर इन चीज़ों को कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें तो मत रखो। जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते, जब तक तुम जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लेते, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि उस लेवल की अटैचमेंट या इमोशंस रखने चाहिए इंसान को। ठीक है, हर किसी का अपना अपना मानना है, आपके अपने थॉट्स हैं, मेरे अपने थॉट हैं, किसी का हो सकता है कि सही हो, किसी का हो सकता है गलत हो। अपने विचारों में मैं सही हूँ, आपके विचारों में आप सही होंगे। मेरे विचार बड़े सिंपल से, साधारण से रहते हैं कि अगर मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो हम अपने रास्ते में वैसी बाधा हम ना लेके चले मेरे भाई, ठीक है, जिससे हमें थोड़ी सी परेशानी हो, जिससे हमें थोड़ी सी कठिनाई हो या लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। अक्सर लोग भी टारगेट उन्हीं को करते हैं जिनको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, पागल बनाया जा सकता है। तो अपने आप को इमोशनली थोड़ा कंट्रोल करें, अपने आप को स्ट्रांग रखें। यहाँ पे कभी अपनी कमजोरियों को किसी के आगे मत बताएं कि आपकी कमजोरियाँ क्या हैं, जाहिर ही मत होने दीजिए। कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, अपना एकदम कमज़ोरी बताएंगे, अरे पता है यार हमको इसे बोल देता है ना, हम रोने लगते हैं, बाद में लोग चल के आपका उसी का फ़ायदा उठाते हैं। कभी कोई भी आपके सामने कोई भी कंडीशंस रखता है ना, वक्त लीजिए सोचने का, समझने का, ठीक है भाई बताएंगे बाद में बताएंगे। हड़बड़ाहट में ली गई डिसीज़न हमेशा इंसान को मारती है, हमेशा बेकार करती है। अगर आप कोई बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, किसी ने अचानक आपके ऊपर कोई बात बोल दी, परसेंटेज की बात कर दी, कोई भी बात कर दी, अपना वक्त लीजिए, संभालिए अपने आप को, ठीक है। सही वक्त का इंतज़ार करिए, एक दो दिन लीजिए, ताकि उस जाल से, उस मोह माया से बाहर आ पाएँ, ठीक है। और फिर आकर ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको करना क्या है। इसी तरीके से कभी भी जीवन में अगर आप कोई परेशानी में हैं, कहीं पर भी किसी भी स्थिति में हैं, तो वहाँ पर डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, हर तरह के हर पहलू का जाँच करिए, और उसके बाद तब जो है आप सही डिसीजन, सही पहलू मेरे भाई आप ले पाएंगे, और वो चीज़ आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ने का मौका देती है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, थोड़ा सा बिजनेस में लॉस होता है, थोड़ा सा मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाएगा या असफलता प्राप्त होगी, वहाँ पर वो अपने आप को और ज़्यादा नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करो मेरे भाई, ठीक है। वक्त लो, जांचो, पड़ताल लो, अपने आप को हमेशा बेकार मत कहो। 60 नंबर मॉक टेस्ट में हमारे भी आए थे सबसे पहले मॉक में, लेकिन वही मेरे भाई जब हमने पेपर दिया तो 644 आए 700 में, जो हमारा CGL 19 का था। ऑल इंडिया रैंक 114 भी लेकर आए, एक्साइज इंस्पेक्टर भी बने और आज कईयों को इंस्पेक्टर बना चुके हैं। तो पहली चीज़ कभी डिसाइड नहीं कर सकती है जीवन में क्या होगा, ठीक है। इसलिए इतना मत सोचिए, जीवन में बहुत कुछ है प्राप्त करने को, अभी तो आगे बहुत जाना है, ठीक है। वक्त रखो, सब्र रखो अपने ऊपर। पहली मैच में धोनी रन आउट हो गए थे 0 रन पे, पता है। और आज यहाँ पर देखिए, जब धोनी सिर्फ, मतलब किसी की विकेट गिरती है ना, तो लोग मनाते हैं कि विकेट गिरे ताकि धोनी बैटिंग करने आए, और बैटिंग करने आए तो स्टेडियम में एक अलग ही हुजूम होता है, समझो इस बात को लेके। तो पहला मैच उनका करियर डिसाइड नहीं किया, अरे धोनी पहले बॉल पर आउट हो गया, रन आउट हो गया मेरे भाई, ठीक है। वो सबक था, वो एक सीख था, ठीक है। बनेंगे, आप भी बनेंगे, नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी आप सफल इंसान नहीं है, आपसे ज़्यादा सफल कोई है नहीं, इस बात को मानिए, तैयारी करिए, बहुत आगे जाएंगे आप।